आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप, आपके साथ मैं हूं काजोल। तो चलिए शुरू करेंगे आपके पसंदीदा शो को बॉलीवुड की बड़ी खबरों के साथ और टीवी जगत से जुड़ी सुपरहिट खबरों के साथ। जी हाँ, टीवी के सुपरहिट शो अनुपमा में लीड किरदार अनुपमा के छोटे बेटे समर शाह का रोल प्ले कर रहे अभिनेता पारस कलनावत को शो से बाहर निकाल दिया गया है। शॉकिंग, मेकर्स ने पारस को बिना चेतावनी दिए अचानक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। खबरें हैं कि पारस कलनावत रियलिटी टीवी शो झलक दिखला जा सीजन 10 में नजर आएंगे। अनुपमा से निकाले जाने पर अभिनेता पारस ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि ऐसे शो में बने रहने का क्या फायदा जहां 18 पन्नों के स्क्रिप्ट तैयार है लेकिन उनके लिए एक भी डायलॉग नहीं होता, वो सिर्फ बैकग्राउंड में खड़े रहते देखते रहते हैं। टीवी शो अनुपमा में पारस समर के काफी स्मार्ट रोल में थे, वो माँ अनुपमा के सबसे करीबी थे। पारस के शो से समर जैसे एक मासूम छोटे बेटे के रोल में घर घर में पहचान मिल गई है, लेकिन उन्होंने शो को खुद छोड़ने का फैसला किया। दरअसल पारस ने रियलिटी टीवी शो झलक दिखला जा साइन कर लिया, ये बात जानकर शो मेकर्स ने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। पारस ने इस मामले पर मीडिया से बात की, उनका कहना है कि वो चैनल के इस फैसले से जरा भी परेशान नहीं है। कुछ खबरों की माने तो पारस ने कहा है कि मैं इन सबको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा फैसला था, मैंने दूसरे चैनल का शो साइन किया है तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इस शो में मेरे किरदार की बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही थी, मैं अपने आप को ऐसी जगह देखना चाहता हूँ जहाँ मुझे पहचान और सफलता हासिल हो, मैं एक अभिनेता और डांसर के रूप में खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने झलक दिखला जा 10 का हिस्सा बनना चाहा है। करण जौहर के सुपर हिट टॉक शो कॉफी विद करण के नए एपिसोड का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। फैंस को और एक्साइटेड करने के लिए शो के मेकर्स इसके अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो भी मजेदार बनाते हैं। आज स्ट्रीम होने वाले एपिसोड में साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे साथ में नजर आने वाले हैं। इसी एपिसोड से जुड़ा एक वीडियो क्लिप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सोशल मीडिया हैंडल पर रिलीज किया गया। वीडियो में विजय देवरकोंडा अनन्या पांडे को तेलुगु में कुछ पंक्तियां कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका कुछ अगर ट्रांसलेट हम करके देखें तो तुम बहुत प्यारी लड़की हो लेकिन मेरे साथ इस तरह छेड़खानी करना बंद करो। वहीं विजय के इस बात के जवाब में अनन्या कहती हैं ये बहुत सेक्सी है, इसे फिर से कहो। तभी कॉफी विद करण के होस्ट करण जौहर बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि मूल रूप से देवरकोंडा तुम्हें उस पर लाइन बंद करने के लिए कह रहे हैं। क्लिप को एक कैप्शन के साथ साझा किया गया है जिसमें लिखा था एक दूसरे पर मरना या नहीं, ये जोड़ी हमारे दिल में हिट है, उन्हें इस गुरुवार को कॉफी काउच पर देखें। #hotstarspecial #coffeewithkaran season 7 का एपिसोड 4 इस गुरुवार से स्ट्रीमिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है और ऐसा पहली बार नहीं है, वो अक्सर कभी थप्पड़ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं तो कभी अपने बेबाकी वाले सीन्स को लेकर। उनकी फिल्म दोबारा जल्द ही सिनेमाघरों पर रिलीज होने जा रही है। दोबारा को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है और एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस के तहत फिल्म बनी है। हाल ही में दोबारा का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इस इवेंट पर एकता कपूर भी मौजूद थी। कंगना ने कुछ समय पहले तापसी को उनकी सस्ती कॉपी कहा था, इस पर फिल्म मेकर ने रिएक्ट किया है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब एकता से तापसी और कंगना के बीच समानता के बारे में पूछा गया क्योंकि वो दोनों के साथ काम कर चुकी है, इस पर एकता ने कहा दोनों के बीच सिर्फ एक समानता है और वो है दोनों की शानदार महिलाएं हैं, उनके खिलाफ जाना ना मेरी और ना आपकी नौकरी है, हम महिलाएं हैं और एक दूसरे का क्राउन एडजस्ट करती हैं ना कि उसे हटाती हैं, दोनों के साथ दोबारा करेंगे काम, उनका ऐसा कहना था। एकता से जब दोनों के साथ दोबारा काम करने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था इस तरह के एक्टर के साथ काम करना शानदार है, अगर कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट सामने आएगा तो मैं एक्टर को अप्रोच करूंगी और उनसे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भी कहूंगी। कंगना बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है और तापसी भी। बॉलीवुड के गलियारों में दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ के रिलेशनशिप की खबरें अक्सर चर्चा में रहती हैं। हालांकि दोनों ऐसे सितारे हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखना पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब इश्क की आग लगती है तो धुआं जरूर होता है। दोनों के डेटिंग के किस्से पिछले कई सालों से थे लेकिन दोनों ने ही अपने रिश्ते को पब्लिकली दोस्ती का नाम ही दिया था। अब दोनों के ब्रेकअप से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल हाल ही में खबरें आ रही हैं कि टाइगर और दिशा ने अपने सालों पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया है और दोनों का ब्रेकअप हो गया है। फैंस ये सुनकर बेहद
दुखी है, लेकिन क्या वाकई ये सच है ये तो खैर देशों और टाइगर ही बता सकते हैं। इस बात के बारे में फिलहाल कपल की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का साल 2019 में दिया गया एक बयान काफी चर्चा में है। जहां टाइगर अपनी निजी जिंदगी पर चुप्पी साधे रहते थे, तो वही दिशा इशारों में कई बातें कह जाती थी। टाइगर सिर्फ बॉन्डिंग को लेकर जब उनसे सवाल किया गया था तो एक्ट्रेस ने कहा था, हम दोनों में टाइगर फिटनेस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस है, वो क्रेजी है और पूरी तरह से फिटनेस पर ध्यान देते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि वापस से दोनों पट्टी कर लें, कट्टी ना करें, क्योंकि फैंस के दिलों में ये जोड़ी हमेशा बरकरार रहने के लिए बेताब रहती है। तो ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप और बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।